मुसलमान मदीना से 4 किलोमीटर दूर एक बॉर्डर के बाहर खड़े हैं और मदीना जा नहीं सकते, और उनको अगर मदीना जाने का मौका मिल जाए तो वो जो उनको खुशी मिलेगी वो आज मैं आपकी शक्लों पे खुशी देख रहा हूँ। हमारे गुरु नानक देव जी का 550वां गुरुपर्व है, जन्मदिवस है उनका, उसको मनाने के लिए सारी संगत अमेरिका से, ऑल ओवर अमेरिका से यहाँ पे आए हैं। हम लोग उसी को मनाने के लिए यहाँ पंजा साहब आ जाए हैं, कल करतारपुर साहब जाएंगे, फिर ननकाना साहब 12 तारीख को वहाँ पे सेलिब्रेशन में हम शामिल होंगे। हमारी कौम को सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है जो करतारपुर का लांगा खोला है। हमारी 70 साल की अरदास पूरी की गई है और हम 70 साल से अरदास में रोज़ बोलते आए हैं कि हमें गुरुद्वारों के दर्शन दीदार का मौका दिया जाए, और इमरान खान साहब ने हमारी अरदास को सुनते हुए हमारे लिए ये एक ऐसा गिफ्ट दिया है जो 550वें गुरुपुरब पे हमें मिला है, और हमारे लिए उनके थैंक्स करने का कोई वर्ड्स नहीं है। ये सिर्फ एक सिख भाईचारे के लिए नहीं है, पंजाबी कौम के लिए है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि हम पंजाबी कौम को यूनाइट करने के लिए ये दोबारा कर रहे हैं। ये हमारे लिए 1947 का रिवाइवल हो सकता है। हम कोशिश करते हैं कि हम वापस 1947 से पहले जाएं और वैसा ही पंजाब देखें जो पहले था। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान का और आर्मी चीफ का, बकाया उसकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ज़िंदगी में भी इस तरह नहीं हुआ जिस तरह इस दफ़ा हुआ है। हमारे कॉरिडोर का गुरुद्वारा खुल गया करतारपुर। या हम लोग रियली अप्रिशिएट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर दैट स्टेप। तो आई थिंक इससे अच्छा काम तो हो नहीं सकता। जितनी भी शर्तें लगाई हैं दोनों सरकारों को हम लोग करते हैं कि पाकिस्तान ने जो भी हमने मांगा पाकिस्तान ने दिया। जैसे कि मुसलमान भाइयों के लिए मक्का शरीफ है, हमारे लिए भी ननकाना साहब करतारपुर से बड़ा जरूरी है। तो हर सिख को बहुत बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि अभी जो 9 तारीख को खुलने वाला है, और पंजाब से भी चढ़ते पंजाब से भी लोग कहते हैं कि हम कब दर्शनों के लिए जाएं, हर कोई चाहता है, और बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात। आपके कॉन्सुलेट साहब लॉस एंजलिस के जबार मेमन साहब, उनकी बदौलत यहाँ पे तहसीन अवान साहब हैं, उनकी बदौलत आपके गवर्नर साहब, उनकी मेहरबानी की वजह से हम लोगों को वीज़ा बहुत अच्छे ढंग से और आराम से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इंडियन पासपोर्ट को भी उन्होंने इस बार वीज़ा दिलाए, और जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए बहुत आसान और बेहतरीन कर देते हैं ताकि हम लोग अपनी ऐसी खुशियों में शामिल हो सकें। खान ने इतना कर दिया है उनके लिए, वीज़ों का बगैर पासपोर्ट आएंगे वो दर्शन करेंगे गुरुद्वारों का, इस तरह हमारे लिए भी होना चाहिए। हम भी उधर के गुरुद्वारों के दर्शन करें और हम जा सकें। इंडियन हुकूमत को हम यही पैगाम दे रहे हैं कि आप प्लीज़ कुछ करें हमारे लिए भी। तो नहीं कहूँगा कि जो इमरान खान ने अपनी बाहें खोल के थोड़ा मत सद्दा दिता है, इंडिया गवर्नमेंट भी चाहिए कि जप्पी पा लेनी चाहिए। हमारी श्रद्धा गली, हम यहाँ पे आते हैं तो जो पाकिस्तानी भाई हैं हमारे जाना चाहते हैं वहाँ पे, हिंदुस्तान की सरकार को उनको अलाउ करना चाहिए, इसी से तो दोस्ती बढ़ेगी। ये तो एक दोस्ती का रास्ता खुला है। बाबे नानक का तो मैसी एक संबे साजी वास दैन हो कोई ना जिससे 12 जी, सभी एक है, सभी बराबर है। तो दोनों मुल्कों की जो ममालिक हैं गवर्नमेंट है उनको तो चाहिए कि शांति का रास्ता जो आने जाने दें, उसमें क्या है, उधर वाले इधर आएँ, इधर वाले उधर जाएँ। सिखों की जगह तो पाकिस्तान है, 90% हमारा गुर्दा तो ये है ही है ना पाकिस्तान का, क्योंकि जो सबसे जो गुरुद्वारा है ननकाना था और करतारपुर, ये सिखों के दो अहम गुरुद्वारे हैं और सिखों के पहले गुरु, और गुरु नानक तो कहते हैं अब लल्ला नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जा कौन को लो कौन भले को मत, कोई भी बुरा नहीं है, सभी है, सभी खुदा के हैं। खलो के दर्शन करण दे वेले मुक गए ने, गुरु ने राह खुलवा के अपने कोल बुलाया वे, गुरु दे से मुक आंदे जांदे मोहब्बत दी खुशबू फैलांदे, दूरियां मुकियां हुन चाहत दी रीत चली, पवित्र नगरी नानक दी ए धरती सोनी मां वरगी, पवित्र नगरी ना...